हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट वर्दी। ये रेसिपी है गार्लिक चीज ब्रेड स्टिक्स की। ये बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड्स लिए हैं और इनके किनारों को कट कर दिया है। अब इन सभी ब्रेड्स के किनारे हटा देने के बाद मैंने इन्हें बीच में से कट कर लिया है, सभी ब्रेड्स को हाफ में। इन ब्रेड पीसेस को बेलन की हेल्प से लंबा लंबा थोड़ा थोड़ा फ्लैट करते हुए बेलना है। मैंने एक कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया है। अब इन ब्रेड पीसेस को इसमें डिप करते जाएंगे। ज़्यादा डिप नहीं करना है, बस हल्का सा डिप करके निकाल लेना है। और इसमें एक चीज़ का पीस रखते हुए, मैंने स्लाइस चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। स्लाइस चीज़ से ये बहुत ईजी रहेगा, इसको फोल्ड करना बहुत ईजी होगा। इसे रोल करते हुए इसके किनारों को, इसके एंड्स को हम अच्छी तरह लॉक कर देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसके चीज़ बाहर ना निकले। इसी तरह सारे ब्रेड्स में चीज़ फिल करते हुए इसको एक स्टिक की शेप दे देंगे। एक प्लेट में मैंने 4 टेबलस्पून बटर लिया है, इसे मेल्ट कर लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं, बस नॉर्मल मेल्ट रखना है। इसमें 1 टीस्पून ओरिगैनो डाला है, थोड़ा कटा हुआ धनिया डाला है और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला है। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी यूज कर सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह बटर में मिक्स कर लेंगे। अब इन सभी ब्रेड स्टिक्स को एक एक करके बटर में डिप करेंगे। फिर थोड़े ब्रेड क्रम लिए हैं, इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। इस तरह सारी चीज स्टिक्स को हम एक एक करके बटर और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। सभी स्टिक्स पर कोटिंग हो गई है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म किया है। इसे नॉर्मल मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। एक साइड पर 60 सेकेंड्स कुक करेंगे, फिर इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको कुक करेंगे। सारी ब्रेड स्टिक्स को एक एक करके कुक कर लेने के बाद तैयार है आपकी चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। ये बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।